नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमारी गाय या भैंस के अगले दोनों पैरों के बीच के जो हिस्सा होता है, जिसको हम छाती या फिर लटकन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रिस्केट रीजन कहा जाता है या ब्रिस्केट कहा जाता है, तो उसमें कभी कभार हमको सूजन देखने को मिल जाती है। हालांकि नॉर्मली वो भाग जो है वो भरावदार रहता है, पर कभी कभार नॉर्मल से ज़्यादा उसमें पानी भरने से या कुछ इन्फेक्शन होने से वहाँ पे सूजन बन जाती है। और इसके कारण हमारे पशु में अलग अलग प्रकार की जो है वो खामी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि ये जो बीमारी है या फिर हम कह सकते हैं ये जो घटना पशु में घटती है वो 4-5 प्रकार के कारण के वजह से हो सकती है। और इनमें से एक कारण तो ऐसा है कि जिसमें पशु की जान तक जा सकती है। जी हाँ, तो इसको समझे और इसको हम कैसे अपने पशु को जो है इस बीमारी से या इस घटना से बचा सकते हैं, उसका पूरी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपका पशु गाभिन है तो कैसे इलाज करना है, और अगर गाभिन नहीं है तो फिर आप कैसे इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पॉइंट वाइज हम समझेंगे जैसे कि हम हमारे हर एक वीडियो में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण तो ये होता है कि कभी कभार हमारा पशु खाने में लोहे की चीज़ जो है, कुछ लोहे का टुकड़ा वगैरह खा लेता है, तो उसकी वजह से वो टुकड़ा फिरते फिरते जब ब्रिस्केट रीजन में अटक जाता है तो वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। तो इस प्रकार के जो कारण से अगर वहाँ पे सूजन आई है तो हम पहचानेंगे कैसे, कि जैसे कि मैंने बताया था कि 3-4 कारण होते हैं, तो हर एक कारण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण के कौन से लक्षण है और कौन सा है उसका इलाज। तो पहला तो ये लोहे वाला, जैसे मैंने बताया कि लोहे का टुकड़ा वगैरह खा लिया या फिर कोई ऐसी चीज़ जो है खा ली जो उसको नहीं खानी चाहिए थी और वो वहाँ पे जाके अटक गई है, तो अब वहाँ पे जो है इसके कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है। और इसके कारण पशु में 3 प्रकार के मुख्य लक्षण आपको देखने मिलेंगे अगर लोहे की वजह से है। पहला तो है उसको बुखार, हल्का बुखार रहता है। दूसरा, वो खाना जो है वो कम कर देता है या बंद कर देता है। तीसरा, जुगाली भी बंद कर देता है, ठीक है, उसको बैठने में तकलीफ होगी, उठने में बैठने में तकलीफ होती है, और जब हम उसको ढलान वाली जगह पे चलाएंगे यानी कि स्लोप पे चलाएंगे तब आगे के पैर, ये खास लक्षण है देखिएगा, आगे के पैर वो रुक रुक के रखेगा जैसे कि उसको कुछ दर्द हो रहा हो। तो अगर आपको ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं जब आपके पशु में सूजन आगे की ओर हो और ये सभी लक्षण भी साथ दिखाई दे, तो आप मान लीजिए कि आपके पशु में कुछ लोहे की चीज़ अंदर उसने खा ली है जिसके कारण ये प्रश्न जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही में उसको आफरा की समस्या रहेगी, जी हाँ, यानी कि ब्लोटिंग, आफरा उसको होगा, फिर चला जाएगा, फिर होगा, फिर चला जाएगा। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो दिखाते हैं कि पशु ने कुछ लोहे की चीज़ खा ली है। अब इसका इलाज क्या होता है? तो दोस्तों, इसका इलाज तो ये तो होता है कि आप उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शंस जो है वो देने पड़ते हैं, और वो आप वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही दे सकते हैं। तो आप अगर ऐसे लक्षण आपका पशु दिखा रहा है तो फिर आप अपने नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाए और इसका इलाज तुरंत करवाए, क्योंकि अगर ये चीज़ वहाँ से जो है वो हार्ट के आसपास कहीं अगर चली गई तो फिर आपके पशु को बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर सर्जरी भी कर सके तो सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं जिससे पशु जो है वो बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला रीज़न। अब बात करते हैं हमारे दूसरे रीज़न के बारे में। दूसरा कारण है कि पशु के लीवर में कुछ समस्या आ जाना या लीवर का कम जो है परफॉर्मेंस देना। तो लीवर में कभी कभार हमारा पशु जो है वो अच्छा, उसका लीवर नहीं रहता, उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से जो है ये सूजन हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीवर में ही तकलीफ आई होगी, साथ ही साथ उस वक्त पशु के जो है पेट में कीड़े भी बन रहे होंगे, क्योंकि हमने टाइम से अगर डीवॉर्मिंग नहीं करवाई, साथ ही में हम टाइम से लीवर टॉनिक नहीं दे रहे, और पशु को ज़्यादा कुछ बीमार अगर हुआ होगा उसकी हिस्ट्री में और दवाई वगैरह ज़्यादा दिया होगा, तो ये सब लीवर पे इम्पैक्ट करता है और लीवर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो ये भी होगा। साथ ही में हम उसको पोषण युक्त खुराक नहीं दे रहे, तो ये तीनों चीज़ें अगर साथ में हो रही है तो भी उसके ब्रिस्केट में जो है वो सूजन आ सकती है। पर इस प्रकार की सूजन में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, और इसमें पशु भी नॉर्मल लक्षण ही दिखाता है, वो अपना खाना भी रूटीन नॉर्मल चालू रखता है,
उसको ना ही आफरा होता है या ना ही जुगाली बंद करता है और ना ही बुखार आता है, तो ये सब नॉर्मल होता है उसमें। तो इस प्रकार के अगर लक्षण आपको दिखते हैं कि सिर्फ सूजन है बाकी सब नॉर्मल है, तो आप उसको तुरंत जो है वो एक तो लीवर टॉनिक चालू कर दे कुछ दिन के लिए। दूसरा आपको करना है कि उसका डीवॉर्मिंग। अब डीवॉर्मिंग में यहाँ पे सलाह दूंगा कि लेवेम जो होती है टैबलेट उससे करें, ताकि उसके लीवर में भी अगर कुछ वॉर्म्स है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा पशु नीचे ज़मीन पर बैठता है तो कुछ चीज़ उसको चुभ जाती है, कंकर पत्थर वगैरह नुकीला अगर वहाँ पर चुभ गया है, या फिर उसके पैरों के बीच में ये जो उसका छाती का जो भाग है ब्रिस्केट है वो आ जाता है कभी कभार, और उससे जो है वो पशु को थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है। मतलब फिजिकल ये कारण है कि जिसकी वजह से, या फिर दूसरे कोई किसी पशु का पैर वगैरह वहाँ पे लग जाता है, या फिर कुछ भी टक्कर वगैरह हो जाती है तो भी सूजन आ सकती है। तो ऐसे में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, आप जो है वो नॉर्मल वहाँ पे काली मिट्टी भी लगा सकते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पे और एक बताऊंगा कि वहाँ जो पानी भर जाता है ना, तो उसके लिए एक पाउडर आता है मैग्नीशियम सल्फेट करके। ये पाउडर आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से भी ले सकते हैं, और वरना ना वहाँ पे ना हो या उपलब्ध ना हो तो कोई भी मेडिकल शॉप जो होती है वहाँ पे जाके ये पाउडर ले आए आप। इस पाउडर को आपको खिलाना नहीं है, देखिए याद रखिएगा, खिलाना नहीं है। इस पाउडर में तेल मिला के उसका एक लेप या पेस्ट बना के उसके ब्रिस्केट रीजन में यानी कि छाती के भाग में जहाँ पे सूजन है वहाँ पे आपको लगा देना है। तो ये 2-3 दिन आप करेंगे तो वो सूजन अपने आप जो पानी है वो सूख जाएगा और पशु ठीक हो जाएगा। आप इसमें भी चाहे तो एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शन वगैरह देके जो है वो पानी जो वहाँ पे भरा हुआ होता है उसको सुखा सकते हैं, ठीक है। ये तो तीसरा कारण हो गया। अब चौथा कारण जो लास्ट है वो है कोई जहरीली चीज़, या हम मान ले कोई जहरीला जानवर या जंतु जो है, जीव जंतु कोई जहरीला वहाँ अगर उसको डंख मार दे या काट ले तो उस वजह से भी वहाँ पर सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये भी हमें देखना है। पर अब बाकी सब कारण में लक्षण कुछ अलग थे, अब इसमें क्या खास लक्षण पशु दिखाएगा? तो जिस जगह पे उस जानवर ने या किसी जंतु ने डंक मारा है या काटा है वहाँ पे आपको खून निकलता भी दिख सकता है, या तो वहाँ पे खून निकलता दिखेगा। दूसरा, उसकी उस आसपास की जो चमड़ी होती है ना उस रीजन की या उस हिस्से की, तो उस हिस्से की चमड़ी में आपको तिराड़े यानी कि क्रैक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चमड़ी उखड़ रही हो, अलग हो रही हो सूख के, वैसा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसमें से खून का रिसाव जैसे हो रहा हो वैसा आपको लक्षण देखने को मिल जाते हैं। और एक और होता है कि उसका इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे फफूने छोटे छोटे जो है वो उस हिस्से में और गर्दन तक जो है वो जा सकते हैं, और वहाँ पे फफूने निकल आते हैं। तो अगर ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं तो मान लीजिए या तो कुछ जहरीली चीज़ काटी है, या फिर कोई जहरीला काटा वगैरह जो अगर घास का कहीं हमारा पशु ग्रेजिंग वगैरह में जाता हो, चरने के लिए जाता हो, तो काटा ऐसा जहरीला जो है वो कभी कभार चुभ जाता है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो ये अगर ऐसी चीज़ें आपको हुई है पशु में दिख रही है तो भी आप वेटरनरी डॉक्टर का तुरंत संपर्क करें और आवश्यक सारवार उसकी ज़रूर करवाए। तो दोस्तों ये सभी कारण मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका पशु गाभिन है तो उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन कभी ना लगवाए, खास याद रखें उसको जब तक वो गाभिन है आप लीवर टॉनिक दे कोई दिक्कत नहीं, डीवॉर्मिंग कराए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आप करवाए, पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस वक्त आपको उसको नहीं देने चाहिए। और उसमें आपको क्या करना है कि मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर का जो मैंने इलाज बताया था वो आप ट्राई करें, सूजन कम हो जाए, बाद में जब आपका पशु भी आ जाए तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और अगर वरना फिर ये समस्या और बढ़ रही है, जैसे कि पशु को बुखार वगैरह आ गया है, खाना छोड़ दिया है, तो आप राह ना देखें, तुरंत ही अपने नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके लगभग हर एक डाउट इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको जवाब जो है उसका ज़रूर दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव
पॉइंट वाइज सरल सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ हर एक बीमारी के, और बीमारी के अलावा भी कैसे पशु का रख रखाव करें, कैसे मार्केटिंग हो दूध की, वगैरह वगैरह बहुत सा टॉपिक्स पे हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।